नौवां अध्याय मानव सेवा रूपी राज विद्या समर्पण योग खंड एक प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या। आज मेरे गले में दर्द है, मुझे संदेह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सकेगी या नहीं। इस समय साधुचरित बड़े माधवराव पेशवा के अंत समय की बात स्मरण आ रही है। यह महापुरुष मरणशैया पर पड़ा था, कफ बहुत बढ़ गया था। कफ का अतिसार में पर्यवसान किया जा सकता है, अतः माधवराव ने वैद्य से कहा, ऐसा करिए कि मेरा कफ हट जाए और उसकी जगह अतिसार हो जाए, उससे राम नाम लेने को मुंह खुल जाएगा। मैं भी आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने कहा जैसा गला चले वैसा ही बोलता रहे। मैं जो यहाँ गीता सुना रहा हूँ वो किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अवश्य उससे लाभ होगा, परंतु मैं तो गीता राम नाम समझ कर सुना रहा हूँ। गीता का प्रवचन करते समय मेरी भावना हरिनाम की रहती है। मैं जो यह कह रहा हूं उसका आज के अध्याय से संबंध है। इस अध्याय में हरिनाम की अपूर्व महिमा बताई गई है। यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है, सारे महाभारत के मध्य गीता और गीता के मध्य यह नवा अध्याय। अनेक कारणों से इस अध्याय को पावनता प्राप्त हुई है। कहते हैं कि ज्ञान देव ने जब समाधि ली तो उन्होंने इस अध्याय का जप करते हुए प्राण छोड़ा था। इस अध्याय के स्मरण मात्र से मेरी आंखें छल छलाने लगती हैं और दिल भर आता है। व्यास देव का ये कितना बड़ा उपकार है, केवल भारतवर्ष पर ही नहीं सारी मनुष्य जाति पर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व बात भगवान ने अर्जुन को बताई वो शब्दों द्वारा प्रकट करने योग्य नहीं थी, परंतु दया भाव से प्रेरित होकर व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा द्वारा प्रकट कर दिया, गूढ़ वस्तु को वाणी का रूप दिया। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम। यह जो राजविद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, यह प्रत्यक्ष अनुभव करने की है। भगवान उसे प्रत्यक्षावगम कहते हैं, शब्दों में न समाने वाली परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर कसी हुई यह बात इस अध्याय में बताई गई है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, को जाने को जह जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग और उसकी कथाओं से यहाँ क्या काम। कौन कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा, यमपुर कौन। यदि संसार में चार दिन रहना है तो राम का गुलाम बनकर रहने में ही मुझे आनंद है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। राम का गुलाम होकर रहने की मिठास इस अध्याय में है। प्रत्यक्ष इसी देह में इन्हीं आंखों से अनुभूत होने वाला फल, जीते जी अनुभव की जाने वाली बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। गुड़ खाते हैं तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है, उसी तरह राम का गुलाम होकर रहने की मिठास यहाँ है। यह मृत्यु लोक के जीवन का माधुर्य प्रत्यक्ष चखाने वाली यह राजविद्या इस अध्याय में कही गई है। वैसे वह गूढ़ है, परंतु भगवान उसे सबके लिए सुलभ करके और खोल कर रख रहे हैं। अध्याय 9 खंड 2 सरल मार्ग। गीता जिस धर्म का सार है उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। इस जगती तल पर जितने अति प्राचीन लेख हैं उनमें वेद सबसे पहले लेख माने जाते हैं। भक्त लोग उन्हें अनादि मानते हैं, इसी से वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भी वेद हमारे समाज की प्राचीन भावनाओं के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, प्राणियों के अवशेष आदि की अपेक्षा ये लिखित साधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है तो वह वेद है। इन वेदों में जो धर्म बीज रूप में था उसका वृक्ष होते होते अंत में उसमें गीता रूपी दिव्य मधुर फल लगा। फल के सिवा पेड़ का हम खाएं भी क्या। जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी हमारे खाने की चीज उससे हमें मिल सकती है। गीता वेद धर्म के सार का भी सार है। यह जो वेद धर्म प्राचीन काल से रूढ़ था उसमें नाना यज्ञ या क्रियाकलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बतलाई गई हैं, ये जो सारा कर्मकांड है यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकांड सबके लिए सुलभ नहीं था। ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीले और कौन फोड़े। मैं चाहे जितना ही भूखा हूं
पर ऊंचे पेड़ का वो नारियल मुझे मिले कैसे? मैं नीचे से उसकी ओर देखता हूं, ऊपर से नारियल मुझे देखता है, परंतु इससे पेट की ज्वाला कैसे बुझेगी? जब तक वो नारियल मेरे हाथ में ना पड़े तब तक सब व्यर्थ है। वेदों की इन नाना क्रियाओं में बड़े बारीक विचार रहते हैं, जनसाधारण को उनका ज्ञान कैसे हो? वेद मार्ग के सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदों का तो अधिकार नहीं, तब दूसरों का काम कैसे चले? अतः कृपा सागर संत लोग आगे बढ़कर बोले, आओ हम इन वेदों का रस निकाल लें, वेदों का सार थोड़े में निकालकर संसार को दें। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुकाचि साधिला। वेदों ने अनंत बातें कही हैं, परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। वह अर्थ क्या है? हरि नाम। हरि नाम वेदों का सार है। राम नाम से मोक्ष निश्चित हुआ। स्त्रियां, बच्चे, शूद्र, वैश्य, गंवार, दीन, दुर्बल, रोगी, पंगु, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया। वेदों की अलमारी में बंद मोक्ष को भगवान ने राजमार्ग पर लाकर रख दिया। मोक्ष की यह कितनी सीधी सादी सरल तरकीब। जिनका जैसा भी सीधा सादा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, उसी को यज्ञमय क्यों न बना दें? फिर दूसरे यज्ञ याग की जरूरत ही क्या है? अपने नित्य के सीधे सादे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझ कर करो, यही राजमार्ग है। यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कहिंचित, धावन्य मील्य वा नेत्रेन स्खलेन पते देह। इस मार्ग पर यदि आंखें मूंद कर दौड़ते चले जाओ तो भी गिरने या ठोकर खाने का भय नहीं। दूसरा मार्ग है शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, तलवार की धार भी शायद थोड़ी भोथरी पड़ेगी, ऐसा विकट ये वैदिक मार्ग है। राम का गुलाम होकर रहने का मार्ग अधिक सुलभ है। इंजीनियर रास्ते की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाता हुआ ऊपर ले जाता है और हमें ऊंचे शिखर पर ला बिठाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि इतने ऊंचे चढ़ रहे हैं। इंजीनियर की इस खूबी की तरह ही इस राजमार्ग की खूबी है। मनुष्य जिस जगह कर्म करते हुए खड़ा है, वहां उस सादे कर्म द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा यह मार्ग है। परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बैठा है? किसी खोह में, किसी घाटी में, किसी नदी में या किसी स्वर्ग में वह लुक कर बैठ गया है? लाल, नीलम, चांदी, सोना पृथ्वी के पेट में छिपा रहता है। मोती, मूंगा, रत्नाकर समुद्र में छिपे रहते हैं। वैसा वह परमेश्वर रूपी लाल रतन क्या कहीं छुपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोद कर निकालना है? ये सामने और सर्वत्र भगवान ही खड़ा है। ये सभी लोग परमात्मा की ही तो मूर्तियां हैं। भगवान कहते हैं, इस मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो भाई। ईश्वर ही सारे चराचर में प्रकट हो रहा है। उसे खोजने के लिए कृत्रिम उपायों की क्या जरूरत? उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो कुछ सेवा कार्य करो, उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो, बस काम बन गया। तुम राम के गुलाम हो जाओ। वह कठिन वेद मार्ग, वह यज्ञ, वह स्वाहा, वह स्वधा, वह श्राद्ध, वह तर्पण सब हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगे, परंतु उसमें अधिकारी और अनधिकारी का झमेला खड़ा होता है। हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो वो ईश्वरार्पण कर दो। अपनी प्रत्येक कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दो। इस 9वें अध्याय की यही शिक्षा है, इसलिए यह भक्तों को बहुत प्रिय है। अध्याय 9, खंड 3, अधिकार भेद का झंझट नहीं। कृष्ण के सारे जीवन में उसका बचपन बहुत ही मधुर है। बालकृष्ण की विशेष उपासना की जाती है। वो ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाता, उनके साथ खाता पीता, हंसता खेलता। इंद्र की पूजा करने के लिए जब ग्वाल बाल निकले तो उसने उनसे कहा, इंद्र को किसने देखा है? उसके उपकार ही क्या हैं? पर यह गोवर्धन पर्वत हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यहां गायें चरती हैं, पानी के सोते बहते हैं, अतः इसी की पूजा करो। ऐसी बातें वो उन्हें सिखाया करता। जिन ग्वालों में खेला, जिन गोपियों से हंसा बोला, जिन गाय बछड़ों में रमा, उन सबके लिए उसने मोक्ष का द्वार खोल दिया। कृष्ण परमात्मा ने अपने अनुभव से ये सरल मार्ग बताया है। बचपन में उसका गाय बछड़ों से संबंध रहा, बड़े होने पर घोड़ों से। मुरली की ध्वनि सुनते ही गायें गदगद हो जाती और कृष्ण के हाथ फेरते ही घोड़े फुरफुराने लगते। वे गाय बछड़े और वे रथ के घोड़े,
केवल कृष्णमय हो जाते। पाप योनि माने गए उन पशुओं को भी मानो मोक्ष मिल जाता। मोक्ष पर केवल मनुष्य का ही अधिकार नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी है, ये बात श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दी है। अपने जीवन में उन्होंने इस बात का अनुभव किया था। जो अनुभव भगवान को हुआ वही व्यास जी को भी हुआ। कृष्ण और व्यास दोनों एक रूप ही हैं, दोनों के जीवन का सार भी एक ही है। मोक्ष न विद्वता पर अवलंबित है और न कर्म कलाप पर, उसके लिए तो सीधी सादी भक्ति ही पर्याप्त है। मैं कहने वाले ज्ञानी पीछे ही रह गए और भोली भावुक स्त्रियां उनसे आगे बढ़ गईं। यदि मन पवित्र हो और सीधा भोला पवित्र भाव हो तो फिर मोक्ष कठिन नहीं है। महाभारत में जनक सुलभा संवाद नामक प्रकरण है, उसमें व्यास जी ने एक ऐसे प्रसंग की रचना की है जिसमें राजा जनक ज्ञान प्राप्ति के लिए एक स्त्री के पास गए हैं। आप लोग भले ही बहस करते रहें कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार है या नहीं, परंतु सुलभा तो यहां प्रत्यक्ष जनक राजा को ब्रह्म विद्या सिखा रही है। वो एक मामूली स्त्री और जनक कितना बड़ा सम्राट, कितनी विद्याओं से संपन्न, पर उस महाज्ञानी जनक के पास मोक्ष नहीं था, इसलिए व्यासदेव ने उसे सुलभा के चरणों में झुकाया। ऐसी ही बात उस तुलाधार वैश्य की है। जाजली ब्राह्मण उसके पास ज्ञान पाने के लिए आता है। तुलाधार कहता है, तराजू की डंडी सीधी रखने में ही मेरा सारा ज्ञान समाया हुआ है। वैसी ही कथा व्याध की है। व्याध ठहरा कसाई, पशुओं को मारकर वो समाज की सेवा करता था। एक अहंकारी तपस्वी ब्राह्मण को उसके गुरु ने व्याध के पास जाने के लिए कहा। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि ये कसाई मुझे क्या ज्ञान देगा। ब्राह्मण व्याध के पास गया। व्याध क्या कर रहा था? मांस काट रहा था, धो रहा था और साफ करके बिक्री के लिए रख रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, देखो मेरा ये कर्म जितना धर्ममय किया जा सकता है उतना मैं करता हूं। अपनी आत्मा जितनी इस कर्म में उड़ेली जा सकती है उतनी उड़ेलकर मैं यह कर्म करता हूं और अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। ऐसे इस व्याध के रूप में व्यासदेव ने आदर्श मूर्ति खड़ी की है। महाभारत में ये जो स्त्री शूद्र वैश्य आदि की कथाएं आती हैं उनका उद्देश्य यही है कि सबको यह साफ साफ दिख जाए कि मोक्ष का द्वार सबके लिए खुला है। इन कथाओं का तत्व इस 9वें अध्याय में बतलाया गया है। इन कथाओं पर इस अध्याय में मुहर लगाई गई है। राम का गुलाम होकर रहने में जो मिठास है वही व्याध के जीवन में है। संत तुकाराम अहिंसक थे, परंतु उन्होंने बड़े चाव से ये वर्णन किया है कि सज्जन कसाई ने कसाई का काम करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुकाराम ने एक जगह कहा है, भगवान पशुओं का वध करने वालों की क्या गति होगी, परंतु सज्जन कसाया विकू लागे मांस, सज्जन कसाई के साथ मांस बेचता है। यह चरण लिखकर उन्होंने कहा है कि भगवान सज्जन कसाई की मदद करते हैं। नरसी मेहता की हुंडी सकारने वाला, एकनाथ के यहां कांवर भरकर लाने वाला, दामा जी के लिए महार बनने वाला, महाराष्ट्र की प्रिय जनाबाई को कूटने पीसने में मदद करने वाला भगवान सज्जन कसाई की भी उतने ही प्रेम से मदद करता है, ऐसा तुकाराम कहते हैं। सारांश यह है कि अपने कृत्यों का संबंध परमेश्वर से जोड़ना चाहिए। कर्म यदि शुद्ध भावना से पूर्ण और सेवामय हो तो वो यज्ञ रूप ही है। 9वां अध्याय खंड 4 कर्मफल भगवान को अर्पण। 9वें अध्याय में यही विशेष बात कही गई है। इसमें कर्मयोग और भक्ति योग का मधुर मिलाप है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म तो करना परंतु फल का त्याग कर देना। कर्म ऐसी खूबी से करो कि फल की वासना चित्त को ना छुए। ये अखरोट के पेड़ लगाने जैसा है। अखरोट के वृक्ष में 25 वर्ष में फल लगते हैं। लगाने वाले को अपने जीवन में शायद ही उसके फल चखने को मिले, फिर भी पेड़ लगाना है और उसे बहुत प्रेम से पानी पिलाना है। कर्मयोग का अर्थ है पेड़ लगाना और फल की अपेक्षा ना रखना। और भक्ति योग किसे कहते हैं? भावपूर्वक ईश्वर के साथ जुड़ जाने का अर्थ है भक्ति योग। राजयोग में कर्मयोग और भक्ति योग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। राजयोग की कई लोगों ने कई व्याख्याएं की हैं, परंतु राजयोग यानी कर्मयोग और भक्ति योग का मधुर मिश्रण, ऐसी थोड़े में मेरी व्याख्या है। कर्म तो करना है परंतु फल फेंकना नहीं, प्रभु को अर्पण कर देना है। फल फेंक देने का अर्थ होता है फल का निषेध।
परंतु अर्पण में ऐसा नहीं होता। बहुत सुंदर व्यवस्था है ये, बड़ी मिठास है इसमें। फल छोड़ने का ये अर्थ नहीं कि फल कोई लेगा ही नहीं, कोई ना कोई तो फल लेगा ही, किसी ना किसी को तो वो मिलेगा ही। फिर ऐसे तर्क खड़े हो सकते हैं कि जो इस फल को पाएगा वो इसका अधिकारी भी है या नहीं। कोई भिखारी घर आ जाता है तो हम झट से कहते हैं, अरे तू खासा मोटा ताजा है, भीख मांगना तुझे शोभा नहीं देता, चल जा। हम ये देखते हैं कि उसका भीख मांगना उचित है या नहीं। भिखारी बेचारा शर्मिंदा होकर चला जाता है। हम में सहानुभूति का पूर्ण अभाव होगा तो भीख मांगने वाले की योग्यता हम कैसे जानेंगे। बचपन में मैंने एक बार अपनी माँ से भिखारियों के बारे में ऐसी ही शंका की थी। उसने जो उत्तर दिया वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैंने उससे कहा, ये भिखारी तो हट्टा कट्टा दिखता है, इसको भिक्षा देने से तो व्यसन और आलस्य ही बढ़ेंगे। गीता का देशे काले च पात्रे च ये श्लोक भी मैंने उसे सुनाया। वो बोली, जो भिखारी आया था वो परमेश्वर ही था। अब पात्रा पात्रता का कर विचार, भगवान के अपात्र हैं? पात्रा पात्रता का विचार करने का तुझे और मुझे क्या अधिकार है? अधिक विचार करने की मुझे जरूरत ही नहीं मालूम होती, मेरे लिए वो भगवान ही है। माँ के इस उत्तर का कोई जवाब अभी तक मुझे नहीं सूझा है। दूसरों को भोजन कराते समय मैं उसकी पात्रा पात्रता का विचार करता हूँ, परंतु अपने पेट में रोटी डालते समय मुझे ये ख्याल तक नहीं आता कि मुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं। जो हमारे दरवाजे आ जाता है उसे अभद्र भिखारी ही क्यों समझा जाए? जिसे हम देते हैं वो भगवान ही है, ऐसा हम क्यों ना समझें? राजयोग कहता है, तुम्हारे कर्म का फल किसी न किसी को तो मिलेगा ही, तो उसे भगवान को ही दे डालो, उसी को अर्पण कर दो। राजयोग उचित स्थान बता रहा है। यहां फल त्याग रूपी निषेधात्मक कर्म भी नहीं है और सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना है, इसलिए पात्रा पात्रता का प्रश्न भी हल हो जाता है। भगवान को जो दान दिया गया है वो सदा सर्वदा शुद्ध ही है। तुम्हारे कर्म में यदि दोष भी रहा तो उसके हाथों में पड़ते ही वो पवित्र हो जाएगा। हम दोष दूर करने का कितना भी उपाय करें तो भी दोष बाकी रहता ही है। फिर भी हम जितने शुद्ध होकर कर्म कर सकें करें। बुद्धि ईश्वर की देन है, उसका जितना शुद्धता से उपयोग किया जा सकता है करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा न करना अपराध होगा, अतः पात्रा पात्र विवेक तो करना ही चाहिए, परंतु भगवत भाव रखने से वो सुलभ हो जाता है। भगवान का विनियोग चित्त शुद्धि के लिए करना चाहिए। जो काम जैसा हो जाए वैसा ही भगवान को अर्पण कर दो। प्रत्यक्ष क्रिया जैसे जैसे होती जाए वैसे वैसे उसे भगवान को अर्पण करके मन की पुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए। फल को छोड़ना नहीं है, उसे भगवान को अर्पण कर देना है। ये तो क्या, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और काम क्रोधादि विकार भी परमेश्वर को अर्पण करके छुट्टी पाना है। काम क्रोध आमी वाहिले विठली, काम क्रोध मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए हैं। यहां ना तो संयमाग्नि में जलना है न झुलसना, चट अर्पण किया और छूटे, न किसी को दबाना न मारना। रोग जाए दुधे साखरे तरी निम्बका प्यावा, जो गुड़ दीन्हे ही मरे माहुर काहे दे। इंद्रियां भी साधन है, उन्हें ईश्वरार्पण कर दो। कहते हैं कान हमारी नहीं सुनते, तो फिर क्या सुनना ही बंद कर दें? नहीं, सुनो जरूर, पर हरि कथा सुनो। न सुनना बड़ा कठिन है, परंतु हरि कथा रूपी श्रवण का विषय देकर कान का उपयोग करना अधिक सुलभ मधुर और हितकर है। अपने कान तुम राम को दे दो, मुख से राम राम लेते रहो। इंद्रियां शत्रु नहीं है, वे अच्छी हैं, उनमें बड़ा सामर्थ्य है। अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रत्येक इंद्रिय से काम लेना यही राजमार्ग है, इसी को राजयोग कहते हैं। नौवां अध्याय खंड 5, विशिष्ट क्रिया का आग्रह नहीं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्रिया ही भगवान को अर्पण करनी है, कार्य मात्र उसे सौंप दो। शबरी के वे बेर, राम ने उन्हें कितने प्रेम से स्वीकार किया। परमेश्वर की पूजा करने के लिए गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जो भी कर्म करो वो परमेश्वर को अर्पण करो। माँ बच्चे को संभालती है मानो भगवान को ही संभालती है। बच्चे को नहलाती क्या है, परमेश्वर पर रुद्राभिषेक ही करती है। बालक परमेश्वरीय कृपा की देन है, ऐसा मानकर
माँ को चाहिए कि वो परमेश्वर भावना से बच्चे का लालन पालन करे। कौशल्या राम की और यशोदा कृष्ण की चिंता कितने दुलार से करती थी। उसका वर्णन करते हुए शुक वाल्मीकि तुलसीदास ने अपने को धन्य माना। उस क्रिया में उन्हें अपार कौतुक मालूम होता है। माता की वो सेवा संगोपन क्रिया अत्यंत उच्च है। वो बालक यानी परमेश्वर की मूर्ति, उस मूर्ति की सेवा से बढ़कर भाग्य क्या हो सकता है। यदि एक दूसरे की सेवा करते समय हम ऐसी ही भावना रखें तो हमारे कर्मों में कितना परिवर्तन हो जाएगा। जिसको जो सेवा मिल गई वो ईश्वर की ही सेवा है, ऐसी भावना करते रहना चाहिए। किसान बैल की सेवा करता है, क्या वो बैल तुच्छ है? नहीं। वेदों में वामदेव ने शक्ति रूप से विश्व में व्याप्त जिस बैल का वर्णन किया है वही उस किसान के बैल में भी है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादः, द्वय शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्वीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन जगह बंधा हुआ है, जो महान तेजस्वी होकर सब मर्त्य वस्तुओं में व्याप्त है, उसी गर्जना करने वाले विश्वव्यापी बैल की पूजा किसान करता है। टीकाकारों ने इस एक ऋचा के 5-7 भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं। ये बैल है भी विचित्र। आकाश में गर्जना करके जो बैल पानी बरसाता है वही मलमूत्र की वृष्टि करके खेत में फसल पैदा करने वाले इस किसान के बैल में मौजूद है। यदि किसान इस उच्च भावना से अपने बैलों की सेवा करेगा तो उसकी वह मामूली सेवा भी ईश्वर को अर्पण हो जाएगी। इसी तरह हमारे घर की गृह लक्ष्मी जो चौका लगाकर रसोई घर को साफ सुथरा रखती है, चूल्हा जलाती है, स्वच्छ और सात्विक भोजन बनाती है और यह इच्छा रखती है कि यह रसोई मेरे घर के सब लोगों को पुष्टि तुष्टिदायक हो, तो उसका यह सारा कर्म यज्ञ रूप ही है। चूल्हा क्या, मानो उस माता ने एक छोटा सा यज्ञ कुंड ही जलाया है। परमेश्वर को तृप्त करने की भावना मन में रखकर जो भोजन तैयार किया जाएगा वो कितना स्वच्छ और पवित्र होगा, जरा इसकी कल्पना तो कीजिए। यदि उस गृह लक्ष्मी के मन में ऐसी उच्च भावना हो तो उसे फिर भागवत की ऋषि पत्नियों के ही समतोल रखना होगा। ऐसी कितनी ही माताएं सेवा करके तर गई होंगी और मैं करने वाले पंडित और ज्ञानी कोने में ही पड़े रहे होंगे। अध्याय 9 खंड 6 सारा जीवन हरिमय हो सकता है। हमारा दैनिक क्षण क्षण का जीवन मामूली दिखाई देता हो तो भी वह वास्तव में वैसा नहीं होता, उसमें बड़ा अर्थ भरा है। सारा जीवन एक महान यज्ञ कर्म ही है। आपकी निद्रा क्या, एक समाधि है। सब प्रकार के भोगों को यदि हम ईश्वरार्पण करके निद्रा लेंगे तो वो समाधि नहीं तो क्या होगी। हम लोगों में स्नान करते समय पुरुष सूक्त के पाठ करने की रूढ़ी चली आ रही है। अब सोचो कि इस स्नान की क्रिया से इस पुरुष सूक्त का क्या संबंध। देखना चाहोगे तो संबंध जरूर देखेगा। जिस विराट पुरुष के 1000 हाथ और 1000 आंखें हैं उसका मेरे स्नान से क्या संबंध। संबंध ये कि तुम जो लोटा भर जल सिर पर डालते हो उसमें हजारों बूंदे हैं। वे बूंदे तुम्हारा मस्तक धो रही हैं, तुम्हें निष्पाप बना रही हैं। मानो तुम्हारे मस्तक पर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। परमेश्वर के सहस्र हाथों से सहस्र धारा ही मानो तुम पर बरस रही है। इन बूंदों के रूप में मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिर के अंदर का मैल धो रहा है। ऐसी दिव्य भावना उस स्नान में उड़ेलो तो वो स्नान कुछ निराला ही हो जाएगा। उस स्नान में अनंत शक्ति आ जाएगी। कोई भी कर्म जब इस भावना से किया जाता है कि वो परमेश्वर का है तो मामूली होने पर भी पवित्र हो जाता है। यह बात अनुभव सिद्ध है। मन में जरा ये भावना रख के देखो कि जो व्यक्ति हमारे घर आया है वह ईश्वर रूप है। मामूली तौर पर कोई बड़ा आदमी भी जब हमारे घर आता है तो हम कितनी सफाई रखते हैं, कैसा बढ़िया भोजन बनाते हैं। फिर यदि ये भावना करें कि यह परमेश्वर है तो भला बताओ हमारी उस क्रिया में कितना फर्क पड़ जाएगा। कबीर कपड़े बुनता था, उसी में निमग्न होकर वह गाता, झीनी झीनी बीनी चदरिया। वो गाता हुआ झूमता जाता मानो परमेश्वर को ओढ़ाने के लिए वह चादर बुन रहा हो। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसुयुः। मैं अपना यह स्तोत्र सुंदर हाथों से बुने हुए वस्त्र की तरह ईश्वर को पहनाता हूं। कवि स्तोत्र बनाता है
ईश्वर के लिए, बुनकर वस्त्र बनाता है सो भी ईश्वर के लिए। कैसी हृदयंगम कल्पना, कितना चित्त को विशुद्ध बनाने वाला और हृदय को हिलोर देने वाला विचार। ये भावना यदि जीवन में एक बार आ जाए तो फिर जीवन कितना निर्मल हो जाएगा। अंधेरे में बिजली चमकती है तो वो अंधेरा एक क्षण में प्रकाश बन जाता है। वो अंधकार क्या धीरे धीरे प्रकाश बनता है? नहीं, एक क्षण में ही सारा भीतर बाहर परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक क्रिया को ईश्वर से जोड़ देते ही जीवन में एकदम अद्भुत शक्ति आती है। प्रत्येक क्रिया विशुद्ध होने लगती है, जीवन में उत्साह का संचार होता है। आज हमारे जीवन में उत्साह है कहाँ? हम जी रहे हैं क्योंकि मरते नहीं। उत्साह का चारों ओर अकाल है, कलाहीन रोता जीवन। परंतु जरा ये भाव मन में लाओ कि हमें अपनी सब क्रियाएं ईश्वर के साथ जोड़नी है, फिर देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना रमणीय और नमनीय हो जाता है। इसमें शक नहीं कि परमेश्वर के एक नाम मात्र से झट परिवर्तन हो जाता है। ये मत कहो कि राम कहने से क्या होता है, जरा कहकर तो देखो। कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके घर लौट रहा है, रास्ते में उसे कोई यात्री मिल जाता है। वो उससे कहता है, चाल घरा ओभा राहे नारायणा, हे पदयात्री नारायण, जरा ठहरो, अब रात हो आई, भगवान मेरे घर चलो। उस किसान के मुंह से ऐसे शब्द निकलने तो दो, फिर देखो उस यात्री का रूप बदलता है या नहीं। वह यात्री यदि डाकू और लुटेरा होगा तो भी पवित्र हो जाएगा। ये फर्क भावना के कारण होता है, भावना में ही सब कुछ भरा है, जीवन भावनामय है। 20 साल का एक पराया लड़का घर आता है, पिता उसे अपनी कन्या दे देता है। वो लड़का है तो सिर्फ 20 साल का, परंतु 50 साल का ससुर उसके पैर छूता है, ये क्या बात है। कन्या अर्पण करने का वो कार्य ही कितना पवित्र है। वो जिसे दी जाती है वह परमेश्वर ही मालूम होता है। यह जो भावना दामाद के प्रति, वर के प्रति रखी जाती है, उसी को और ऊपर ले जाओ और आगे बढ़ाओ। कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करने से लाभ क्या? मैं कहता हूं कि पहले से ही सच्चा झूठा मत कहो, पहले अभ्यास करो, अनुभव लो, तब तुम्हें सच झूठ मालूम हो जाएगा। उस कन्यादान में कोरी शाब्दिक नहीं, किंतु यह सच्ची भावना करो कि वह जमाई सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फर्क पड़ जाता है। इस पवित्र भावना के प्रभाव से वस्तु के पूर्व रूप और उत्तर रूप में आकाश पाताल का अंतर पड़ जाएगा, कुपात्र सुपात्र बन जाएगा, तुष्ट सुष्ट बन जाएगा। वाल्या भील का काया पलट इसी तरह हुआ। वीणा पर उंगलियां नाच रही हैं, मुख से नारायण नाम का जप चल रहा है, और मारने के लिए दौड़ने पर भी शांति दिखती नहीं, बल्कि उसकी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारता है। वाल्या ने ऐसा दृश्य ही इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने अभी तक दो ही प्रकार के प्राणी देखे थे, एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जाने वाले या उलटकर उस पर हमला करने वाले, परंतु नारद उसे देखकर ना तो भागे और ना हमला ही किया, बल्कि शांत भाव से खड़े रहे। वाल्या की कुल्हाड़ी रुक गई, नारद की ना भौहें हिली ना पलकें झपकी, मधुर भजन ज्यों का त्यों जारी रहा। नारद ने वाल्या से पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? वाल्या ने कहा, आपके शांत भाव को देखकर। नारद ने वाल्या का रूपांतर कर दिया, वह रूपांतर झूठ था या सच? सचमुच संसार में कोई दुष्ट है या नहीं, इसका निर्णय आखिर कौन करे? कोई असली दुष्ट आ जाए तो भी ऐसी भावना करो कि वो परमात्मा है, वह दुष्ट हो भी तो संत बन जाएगा, तो क्या झूठ मूठ ये भावना करें? मैं कहता हूं, किसको पता है कि वो दुष्ट ही है? कुछ लोग कहते हैं कि सज्जन लोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो फिर तुम्हें जैसा दिखाई देता है उसी को सच मान लो। सृष्टि का सम्यक ज्ञान होने का साधन मानो अकेले दुष्टों के ही पास है। यह क्यों ना कहें कि सृष्टि तो अच्छी है पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वो तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। देखो, सृष्टि तो आईना है, तुम जैसे होगे वैसा ही सामने की सृष्टि में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसा ही सृष्टि का रूप। इसलिए ऐसी कल्पना करो कि ये सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी मामूली क्रिया में भी ऐसी भावना का संचार करो, फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है।
भगवान यही बात समझा देना चाहते हैं। यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वा मदर्पणम्। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पण कर दो। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। बात मजेदार है परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि जो कुछ करूंगी कृष्णार्पण कर दूंगी। चौका लीपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती कृष्णार्पण मस्तु। होता क्या था कि वो गोबर का गोला वहां से उठता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर जा चिपकता। पुजारी बेचारा मूर्ति को धो धोकर थक गया, पर करे क्या। अंत में मालूम हुआ कि ये करामात उस स्त्री की थी। जब तक वो स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ नहीं रह सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार पड़ गई, मरण की अंतिम घड़ी निकट आ गई। उसने मरण को भी कृष्णार्पण कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए, मूर्ति टूट कर गिर पड़ी। स्वर्ग से विमान आया स्त्री को लेने के लिए, विमान को भी कृष्णार्पण कर दिया। विमान जाकर मंदिर से टकराया और वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। सारांश ये है कि जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े उन सबको ईश्वरार्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ज्वार का दाना यूं कुछ पीलापन और लाली लिए हुए होता है, पर उसी को भूनने से कितनी बढ़िया फूली बन जाती है। साफ सफेद, अठ पहलू, व्यवस्थित और शानदार वह फूली उस दाने के पास रखकर तो देखो कितना अंतर है। मगर वो फूली है उसी दाने की, इसमें कोई संदेह नहीं। यह अंतर केवल अग्नि के कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दाने को चक्की में डालकर पीसो तो उसका मुलायम आटा बन जाएगा। अग्नि के संपर्क से फूली बन गई, चक्की में डालने से मुलायम आटा बन गया। इसी तरह हमारी किसी छोटी सी क्रिया पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। भावना से मोल बढ़ जाता है। वो गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियां, तुलसी की मंजरी और धूप के तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो। तुका मणे चवि आलें जे का मिश्रित विठ्ठलें। तुका कहता है कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो। इस राम रूपी मसाले के बराबर दूसरा कोई मसाला है क्या? इस दिव्य मसाले से बढ़कर तुम दूसरा कौन सा मसाला लाओगे? यही ईश्वर रूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रिया में मिला दो, फिर सब कुछ सुंदर और रुचिकर हो जाएगा। रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती हो रही हो, धूप की सुगंध फैल रही हो, दीप जलाए जा रहे हो, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय सचमुच ये भावना होती है कि हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान दिन भर जागे, अब उनके सोने का समय हुआ है। भक्त गाते हैं सुख निंदिया अब सो ओ गोपाला। पर शंकाशील पूछता है भला भगवान भी कहीं सोता है? अरे भगवान क्या नहीं करता। भले आदमी अगर भगवान सोता नहीं जागता नहीं तो क्या पत्थर सोएगा जागेगा? भाई भगवान ही सोता है, भगवान ही जागता है और भगवान ही खाता पीता है। तुलसीदास जी प्रातः काल के समय भगवान को जगाते हैं, विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र की मूर्ति मानकर वे कहते हैं मेरे रामचंद्रो अब उठो। कितना सुंदर विचार है। नहीं तो किसी बोर्डिंग को देखो, वहां लड़कों को उठाते समय डांट कर कहते हैं अरे उठते कि नहीं। प्रातः काल की मंगल वेला, ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती है। विश्वामित्र के आश्रम में रामचंद्र जी सो रहे हैं, विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है, रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। बेटा राम उठो अब, ऐसी मीठी वाणी से विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। कितना मधुर है ये कर्म। बोर्डिंग का वो जगाना कितना कर्कश। उस सोते हुए लड़के को ऐसा मालूम होता है मानो कोई 7 जन्म का वैरी जगाने आया है। पहले धीरे धीरे पुकारो, फिर कुछ जोर से पुकारो, परंतु पुकारने में कर्कशता कठोरता बिल्कुल ना हो। यदि ना जगे तो फिर 10 मिनट के बाद जगाओ। आशा रखो कि आज नहीं तो कल उठेगा। उसे जगाने के लिए मीठे मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ।
जिगाने की क्रिया मामूली है, परंतु उसे कितना काव्यमय, सहृदय और सुंदर बना सकते हैं। मानो भगवान को ही उठाना है, परमेश्वर की मूर्ति को ही धीरे से जगाना है। नींद से कैसे जगाना, इसका भी एक शास्त्र है। अपने सब व्यवहारों में इस कल्पना को लाओ। शिक्षा शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां हैं। गुरु की यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की सेवा कर रहा हूं। तब वह लड़कों को ऐसे नहीं झड़केगा, चला जा अपने घर, खड़ा रहे घंटे भर, हाथ आगे कर, कैसे मैले कपड़े हैं, नाक से कितनी रेंट बह रही है, बल्कि हल्के हाथ से नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मार पीट कर कहां अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्यों को हरि मूर्ति और शिष्य गुरु को हरि मूर्ति माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान और गुरु भी भगवान। यदि छात्र ये मान लें कि वे गुरु नहीं, भगवान शंकर की मूर्ति हैं, हम इनसे बोधामृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि वे गुरु के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अध्याय 9 खंड 7 पाप का भय नहीं। सब जगह प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना चित्त में जम जाए तो फिर एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह नीति शास्त्र हमारे अंतःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब सब दोष दूर हो जाएंगे, पाप भाग जाएंगे, दुरितों का तिमिर हट जाएगा। तुकाराम ने कहा है, चाल केलासी मोकड़ा, बोल विठल वेलो वेड़ा, तुझ पाप ची नाही ऐसे, नाम घेता जौड़ी बसे। चल तुझे छुट्टी देता हूं, हर श्वास पर विठल का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। अच्छा चलो तुम्हें पाप करने की छुट्टी। मैं देखता हूं कि तुम पाप करने से थकते हो या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। ऐसा कौन सा जबरदस्त और मगरूर पाप है जो हरि नाम के सामने टिक सकता है। करी तुझसी करवती, करो चाहे जितने पाप, तुमसे जितने पाप बन सके करो, तुम्हें खुली छूट है। होने दो हरि नाम की और तुम्हारे पापों की कुश्ती। अरे इस हरि नाम में इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर डालने का सामर्थ्य है। गुफा में अनंत युग का अंधकार भरा हो तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वो भाग जाता है, वह अंधकार प्रकाश बन जाता है। पाप जितने पुराने उतने ही जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योंकि वे मरने को ही होते हैं। पुरानी लकड़ियों को राख होते देर नहीं लगती। राम नाम के नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं कि राम कहते ही भूत भागता है। हम बचपन में रात को शमशान हो आते थे, शमशान में जाकर मेघ ठोंक कर आने की शर्त लगाया करते थे। रात को सांप भी रहते, कांटे भी रहते, बाहर चारों ओर अंधकार रहता, फिर भी कुछ नहीं लगता। भूत कभी दिखाई नहीं दिया, कल्पना के ही तो भूत फिर दिखने क्यों लगे। 10 वर्ष के बच्चे में रात को शमशान में आ जाने का सामर्थ्य कहां से आया? राम नाम से। वो सामर्थ्य सत्य रूप परमात्मा का था। यदि यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है तो सारी दुनिया उलट पड़े, तो भी हरि का दास भयभीत नहीं होगा। उसे कौन सा राक्षस खा सकता है? भले ही राक्षस उसका शरीर खाकर पचा डाले, पर उसे सत्य पचने वाला नहीं। सत्य को पचा लेने की शक्ति संसार में कहीं नहीं। ईश्वर नाम के सामने पाप टिक ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर से जी लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त कर लो, सब कर्म उसे अर्पण कर दो, उसी के हो जाओ। अपने सब कर्मों का नैवेद्य प्रभु को अर्पण करना है। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो शुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा। अध्याय 9 खंड 8 थोड़ा भी मधुर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी हो उसके साथ भक्ति भाव हो तो पर्याप्त है। कितना दिया, कितना चढ़ाया, ये भी मुद्दा नहीं। किस भावना से दिया, यह मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसर के साथ मेरी बात चल रही थी। वह शिक्षण शास्त्र संबंधी थी। हम दोनों के विचार मिलते नहीं थे। अंत में प्रोफेसर ने कहा, भाई मैं 18 साल से काम कर रहा हूं। प्रोफेसर को चाहिए था कि वे मुझे कायल करते, परंतु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतने साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूं, तो मैंने उनसे मजाक में कहा, 18 साल तक बैल यदि यंत्र के साथ घूमता रहे
तो क्या वो यंत्र शास्त्रज्ञ हो जाएगा? यंत्र शास्त्रज्ञ और है, आंख बूंद कर चक्कर काटने वाला बैल और, शिक्षा शास्त्रज्ञ और है और शिक्षा का बोझ ढोने वाला और। जो शास्त्रज्ञ होगा वो 6 महीने में ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा कि जो 18 साल तक बोझा ढोने वाला मजदूर समझ भी नहीं सकेगा। सारांश यह कि उस प्रोफेसर ने मुझे अपनी दाढ़ी दिखाई कि मैंने इतने साल काम किया किंतु दाढ़ी से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर के सामने कितना ढेर लगा दिया इसका महत्व तो नहीं है। मुद्दा नाप का, आकार का, कीमत का नहीं है, मुद्दा भावना का है। कितना क्या अर्पण किया इससे मतलब नहीं, बल्कि कैसे किया ये मुद्दा है। गीता में 700 ही श्लोक हैं, पर ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनमें 10-10 हजार श्लोक हैं। किंतु वस्तु का आकार बड़ा होने से उसका उपयोग भी अधिक होगा ऐसा नहीं कह सकते। देखने की बात यह है कि वस्तु में तेज कितना है, सामर्थ्य कितना है, जीवन में कितनी क्रिया की है इसका महत्व तो नहीं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। कभी कभी एक ही पवित्र क्षण में हमें ऐसा अनुभव होता है जैसा 12-12 वर्षों में भी नहीं हो पाता। आशय ये कि जीवन के सादे कर्मों को, सादी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण कर दो तो इससे जीवन में सामर्थ्य आ जाएगा, मोक्ष हाथ लग जाएगा। कर्म करके और उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वर को अर्पण कर देना, ऐसा यह राजयोग कर्मयोग से भी एक कदम बढ़कर है। कर्मयोग कहता है कि कर्म करो, फल छोड़ो, फल की आशा मत रखो। यहां कर्मयोग समाप्त हो गया। राजयोग कहता है कर्म फलों को छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। वे फूल हैं, तुम्हें आगे ले जाने वाले साधन हैं, उन्हें उस मूर्ति पर चढ़ा दो। एक ओर से कर्म, दूसरी ओर से भक्ति जोड़कर जीवन को सुंदर बनाते चलो। फलों को त्यागो मत, उन्हें फेंकना नहीं बल्कि भगवान से जोड़ देना है। कर्मयोग में जो फल तोड़ दिया उसे राजयोग में जोड़ दिया जाता है। बोने और फेंक देने में फर्क है। बोया हुआ थोड़ा भी अनंत गुना होकर मिलता है, फेंका हुआ यूं ही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण किया गया है उसे बोया हुआ समझो। उससे जीवन में अपार आनंद भर जाएगा, अपार पवित्रता आ जाएगी।